हरमंदर साजिया, हरमंदर साजिया, हर जपे हर मंदर साजिया। Hare Krishna।
ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ
पवित्र स्थान केंद्रीय स्थान माण वाली साढ़े पाल ओदे प्यार विच सारे गज के आखो सतना किधरे किधरे बंदा अपनी सोच नल चलता है किधरे किधरे गुरु वरतदा है मता करे पूरब के ताई पछम ही लै जात गुरु वरत गया तेन खड़ना ही इधर है ये जेड़ा प्रकरण शुरू होया है गुरु रामदास ने आप ही विध बनाई आप ही कृपा कीती है आज दूजा भाग है सिर से हाथ रख के सेवा लेनी हरमंदर साहब की वड्याई बारे एक किताब अरदास की कला सुखबीर सिंह जी लेखक ने उन्होंने भी अपनी किताब विच हरमंदर साहब की वड्याई की है वो लिखते ने कहते एक हरमंदर साहब है एक हरमंदर साहब है जेड़ा भगती का अवतार स्थान है आखो सतनाम भगती का अवतार स्थान गुरु रामदास जी का घर हरमंदर साहब भगती का अवतार स्थान है दूसरा वचन उन्हां दा इस स्थान दियां वड्याइयां विच ओ लिखदे ने कहिंदे हरमंदर साहब कीर्तन द्वारा बाणी द्वारा सिमरन द्वारा चौथा लिखदे है सेवा द्वारा हरमंदर साहब कीर्तन द्वारा बाणी द्वारा सिमरन द्वारा सेवा द्वारा दिने रात भगती का प्रवाह चलता ही रहता है एक सूरज प्रकाश ग्रंथ है कवि भाई संतोख सिंह जी जिदि इतिहासक स्थाना ते कथा भी हुई उन्हां दी भी कलम नहीं रुक सकी हरमंदर साहब दियां वड्याइयां विच सूरज प्रकाश कवि भाई संतोख सिंह जी ओ लिखदे ने कहिंदे श्री हरमंदर साहब ते अमृत सरोवर श्री हरमंदर साहब ते अमृत सरोवर ए दोवें चीजां सिख धर्म दियां नीयां ने ये साडियां नीयां जिहदे ते सिखी कृपा हो रही सूरज प्रकाश विच कवि भाई संतोख सिंह जी का एक होर वचन है कहिंदे दोनों बड़े जहाज बनाए भर भर पूर सो पार लंघाए गुरु अर्जन देव जी ने एक जहाज बनाया धन श्री गुरु ग्रंथ साहब जी दूजा जहाज बनाया डिठे सबे थाम नहीं दुद कहिंदे दो जहाज एवो जे ने सिखी विच जेड़े भर भर के पूर पार उतार रहे ने की भाव
दरबार साहब एहो जिहा अस्थान है जिथे कईयां नूं ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति हो चुकी है, कईयां नूं ब्रह्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है, रहिंदी दुनिया तक कईयां नूं दरबार साहब ब्रह्म ज्ञान की दात देंदा रहे। ऐसा ये भर भर के पूर पार लंघा रहा कह दो गज के सतनाम। ये प्रकरण क्यों शुरू होया? जिन्नियां संगतां दूर तक बैठियां जे साडे अंदर ऐसी श्रद्धा पैदा होवे, मैं इन्ना मीर एडा वड्डा मेरा मालिक एहो जिहा स्थान देता सिद्धी दरगाह नाल गलबात ते आखो सतनाम। जन्म लिया कई पाप कर्मां दे, पर तेरा स्थान ऐसा जिथे बाबा नंद सिंह जी कहंदे इक तिल जिन्ना करण दा मणा मोई महात्म। जदों तिल दा मणा मोई महात्म इंज कह लो फिर उत्थे किन्नी स्पीड नाल तेरे पाप धोते जाणगे। जिस वास्ते जन्म लिया है ओ तेनू गुरु सोझी करा देगा, ओदे विच अभेद करा देगा। आखो सतनाम। ज्यों जल में जल आए खटाना त्यों ज्योति संग जोत। जिस वास्ते जन्म लिया गोविंद मिलन की ये तेरी बरिया। जिस वास्ते जन्म लिया है सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम ज्योति ज्योत। हुण ज्योत च ज्योत तां ही रलूगी, पाप धोते जाणगे ते वो निर्मल विच निर्मल समाएगा। वो कहिंदे इहो जिहा जहाज जिहड़ा भर भर के पूर। एक है कन्वेंस खड़ी है, आवाज दिती जा रही है, सवारी बहिंदी कोई नहीं। एक है भर भर के पूर। आखो सतनाम। अकल दी के परसों दी अखबार विच भी अजीत विच भी पढ़ियो पहला पेज, उन्होंने भी बड़ी बड़ी खबर दिती है। कहंदे हुण ते गुरु रामदास दा परिवार इन्ना वड्डा वध गया, इन्ना वड्डा वध गया कि मिठी जी चिंता होई जा रही है कि जेड़ा दर्शन करना चाहुंदा उन्हूं तीन चार घंटे ही लग जाए। परिवार एडा वड्डा हो गया, उन्होंने लिखा 25% संगत परिक्रमा चो ही फिर मत्था टेक लैंदी है भी कई वारी तीन घंटे हुंदा ही नहीं। परिवार एडा वध गया इन्ना बड़ा हो गया, मिठी जी चिंता भर भर के पूर पार लंघ रहे। आखो सतनाम। भर भर के उथे मजा जुड़दा, पाप साडे जड़े धोने शुरू हो जाते। फिर एक दिन आंदा पाप इन्ने धोते जाते ने, मैं स्टेज तो की दसा, तुसी दुश्मन दा भी बुरा नहीं मंगोगे, दुश्मन दा बुरा भी नहीं मंगोगे, बल्कि जपजी साहब दा पाठ करके ए अरदास करोगे गुरु रामदास कृपा कर एदी बुद्धि बदला दे। एदी बुद्धि जिदे पाप धोते जान निर्मल हो जाता। वो निर्मल दा स्वाद ही होर है, ना को बैरी ना है बगाना, सगल संग हमको बनया। कल एक शरीर आया लुधियाने, कहिंदा मैं वोटी तो बहुत दुखी हां, इहो जिहा नेम दसो कि अगे जावे। आपो सतनाम। इहो जिहा पाठ दसो। फिर दास ने उन्हूं आखिया, मैं क्या धरती ते लखां औरतां ने, लखां बीबियां ने, करोड़ां ने जेड़ी ओ तेरे लड़ लगी है, तेरा कोई कर्म होए। लखां करोड़ां दी तादाद है, मैं कहा जेड़ी तेरे एक लड़ लगी है होर कोई क्यों नहीं लगी? कोई कर्म होएगा ना, संजोग आ ज्ञान लिया
ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਸੰਯੋਗ ਹੈ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਭਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੂਰੀ ਚ ਦੱਸ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਸ ਔਰਤ ਤੋਂ ਪਤਨੀ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਦੁਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਤਿਗੁਰਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਹੋਣਗੇ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਦੋਂ ਮਿਲਦੀ ਏ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਗੁਣ ਵੇਖਾਂਗੇ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਔਗਣ ਵੇਖੋਗੇ ਨਾ ਅਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਚ ਗੁਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਔਗਣ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਜਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਉਲਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਹ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਬੁਰਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪੰਜ ਪਾਠ ਜਪਜੀਤ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਤੇਜ਼, ਇਹਦੀ ਮਤ ਬਦਲਾ ਦੇ। ਕਰੋੜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲੜ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਾ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦਾ ਘਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਦਾ, ਨਿਰਮਲ ਬਣਾ ਕੇ। ਇਹ ਨਿਰਮਲ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ, ਉਸ ਪਿਆਰੇ ਵਾਂਗੂ। ਜਿਵੇਂ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘੇ ਤੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਮੂੰਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਵੇ, ਹਾਏ ਕਿੰਨੀ ਬੋ ਆ ਰਹੀ, ਹਾਏ ਕਿੱਡਾ ਭੈੜਾ ਲੱਗਦਾ, ਹਾਏ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਗਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਮਰਿਆ ਪਰ ਦੰਦ ਕਿਵੇਂ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌਂਕਦੇ ਪਏ, ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ। ਕੁੱਤਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਦਸ ਲੰਘੇ ਉਹ ਬੁਰਾ ਕਹਿ ਕੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਪਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਮਰੇ ਕੁੱਤੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੰਦ ਕਿੱਡੇ ਸੋਹਣੇ ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਂਗ ਚੌਂਕਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਅਵਤਾਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹੁੰਦੀ ਕਿ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਭਰਾ ਹੈ, ਭੈਣ ਹੈ, ਪਤਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜੀ ਹੈ, ਮਾਸੀ ਹੈ, ਚਾਚੀ ਹੈ, ਤਾਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਜਦਾਦ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਦੁਖੀ ਹੈ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਕਦੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮੰਗੀ, ਇੰਜ ਪਾਠ ਨਾ ਕਰੀ ਉਹਦਾ ਬੁਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾਵੇ, ਆਇਆ ਨਾ ਕਰੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਉਸ ਸੜਕ ਤੇ ਰੁਲੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਗੁਣ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨੇਮ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਵਧਾ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਦੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਾ ਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੁੱਧੀ ਬਦਲਾ ਦੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ। ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਏ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਅਸਥਾਨ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼, ਇੱਕ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਵੱਡੇ ਜਹਾਜ਼ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਬਣਾਏ, ਜਿਹੜੇ ਭਰ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰ ਜਦ ਤੱਕ ਨਿਰਮਲ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੇਰੇ ਦਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰੇ ਉਹਦੇ ਪਾਪ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਚਨ, ਇੱਕ ਤਿਲ ਜਿੰਨਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨਾ ਮੋਈ ਮਹੱਤਵ ਮਿਲਦਾ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਉਦੋਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਚ ਵੀ ਗੁਣ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਜਦੋਂ ਪਾਪ ਧੋਤੇ ਗਏ ਬੰਦਾ ਨਿਰੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਔਗੁਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਚ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ, ਆਹ ਗੁਣ ਵੀ ਆਇਆ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਤ ਹੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿੱਚ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਚਨ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਸਰੋਵਰ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦਾ ਬੰਦਾ ਉਦੋਂ ਮਨ ਦੀ ਮੈਲ ਜਾਂਦੀ। ਮਨ ਸਮਾਂ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਪੰਜ ਸੱਤ ਅੱਠ ਮਿੰਟ ਟਿਕਾਓ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ,
ਆਵੇ ਤੇ ਚਿੱਤ ਆਇਆ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਾ ਕਵੀ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਪੜ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਤਿਗੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੋਏ ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਹੋਏ ਸਭ ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਹੋਏ ਜਿਸ ਦੇ ਸੁਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਭ ਹੋਏ ਵਾਹ ਵਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਤੇ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਮੁਫਤ ਨੇ ਇੱਕੋ ਚਾਓ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਦੇ ਘਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਚ ਲਿਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਗੇ ਹੋਏ ਸੁਣਿਓ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ ਦੀਦਾਰ ਅਨੁਪਮ ਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ ਦੀਦਾਰ ਅਨੁਪਮ ਹਨ ਤਸੀਰ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ ਸੁਣਿਓ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੁਭਾਗੇ ਹਨ ਦੀਦਾਰ ਅਨੁਪਮ ਹਨ ਤਸੀਰ ਅਨੋਖੀ ਹੈ ਅੱਗੇ ਲਿਖਦੇ ਤਸਵੀਰ ਅਲੌਕਿਕ ਹੈ ਤਾਵੀਰ ਮਨਮੋਹਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਹੈ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਤੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਅੱਛੀ ਹੈ ਮਿਲਾ ਤੁਝ ਸਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਤੇ ਬੇੜਾ ਹੀ ਆਵੇ ਪਾਰ ਉਤਾਰਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੇੜਾ ਹੀ ਆਵੇ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆਵੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਲੈਣੀ ਕਰੀ ਕਹੋ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਿੱਥੇ
कई वारी दास का दिल करता दिल्ली तो सीधे बोर्ड लवा दीए सारी सड़क अमृतसर ते कि सच्चे गुरु गुरु रामदास का घर अगे है पीर जाई जा दिल्ली तो तीर तुरे आन क्योंकि दूजे गुरु बहुत हो गए लिखिया हो सच्चे गुरु का घर अगे है अगे दरबार साहब तक चलते ही आना को सतना एक ज्ञानी स्वरूप सिंह अलग जी ने अपनी किताबां च बड़ी प्यारी वार्ता लिखी है उस तो पहले उन्होंने दो लाइनां लिखियां सुने वो कहिंदे कोई विदेशी आवे ना दरबार साहब दर्शन करन विदेश तो वो लिखते कहते कोई विदेशी हरिमंदर साहब के दर्शन करन आवे सिख नहीं विदेशी होर कौमां दे कहते वो विदेशी बार विदेशों में जदों किसी पगड़ी वाले सिख नू वेखणगे ना तो ज्ञानी स्वरूप सिंह अलग लिखते हैं भी वो ये कहणगे हैलो सिंह आपको सतनाम कोई विदेशी दरबार साहब के दर्शन करके जावे तो अपने विदेश विच किसे पगड़ी वाले सिंह नू वेखे ते ए कह के बुलाएगा हैलो सिंह ए कह के मुखातब करेगा बुलाएगा ते फिर दरबार साहब की उस्तत विच ओ विदेशी बोक लफज जरूर बोले जरूर कहेगा कीर्तनी जथे बैठे स्टेज से दास भी इन्हों भी बीती साडे अजों हवाई अड्डे से कई बार चैकिंग करते ना भाव इंज कर लें सारा वेखते ने ला के हवाई अड्डिया कई बार मेरे न बीती भी जेड़ा पुलिस वाला चैकिंग कर रहा हूं ना वो पगड़ी वेख के कहेगा गोल्डन टैंपल गोल्डन टैंपल ना जुड़े अभी जो कहेंगे ना हां अपनी एक अद्धी गल जरूर कहेगा मैं भी 2 साल हुए परिवार नाल गया सा बड़ी शांति मिली थी एक छाप ते ज्ञानी सुरूप सिंह लग जी ने अगस्त 1983 की एक वार्ता लिखी बस वो 2 मिनट में ध्यान है वो कहते लंदन दे हवाई अड्डे ते मैं अपना समान जमा करा रहा
बुक करा रहे हैं। कहते जेड़ी लड़की काउंटर से बैठी है ना, उन्हें मेरी दस्तार वेख के पहले आख्या भी हैलो सिंह, ने मैं भी अगों फिर प्यार नाल बुलाया। उन्होंने लिखा भी तुसी जेड़े भाई अड्डिया से जाते हो उन्होंने इतने बैच लगा हों टैग उसे ना लिखा हों भाई अड्डे कोई काम करता ना वो ना लिखा हों रेलों च भी होर जगह पर भी कई महकमे उन्होंने लिखा कुड़ी का ना लिखा सी जीन वो लड़की किसे विदेशी कुड़ी उसका ना लिखा सी टैग के उत्ते जीन उस बच्ची का। कहिंदे उन्हें मैनू पगड़ी वेख के जदों हैलो सिंह जी कहा मैं भी प्यार नाल बुलाया ते कहिंदे वो लड़की कहिंदी कि किथे जा रहे हो, उन्हें इंग्लिश कहा पर चलो वो हुण पंजाबी च बोलना पएगा। वो लड़की कहिंदी किथे जा रहे हो ते अगों ए सरूप सिंह लग कहिंदे मैं भारत जा रहा ते अमृतसर लैंड करांगा, लैंड हुंदा जिथे हवाई जहाज उतर भारत जा रहे हैं लंडन तो अमृतसर लैंड करांगा। कहिंदे वो लड़की जीन विदेशी कहिंदी अमृतसर ओ जिथे गोल्डन टेंपल है आपको सपना हां, वो लड़की बोली अपनी सीट तो कहिंदी अमृतसर ओ जिथे गोल्डन टेंपल है, कहिंदे मैं कहा हां। कहिंदे वो विदेशी लड़की कहिंदी है बड़ा पवित्र स्थान है, जरा लफ सुनो एक विदेशी से, वो लड़की कहती बड़ा पवित्र स्थान है मैनू सीट ते बैठिया भी वो स्थान की याद आ जाए तो बड़ी शांति मिलती। एक जीन लड़की उदेश कहती बड़ा पवित्र स्थान है मैनू लंडन अपनी सीट ते बैठिया भी उस स्थान की याद आ जाए तो मैनू बड़ी शांति मिलेगी। कहते मेरा बड़ा मन खुश होया भी कैसा गुरु रामदास का घर विदेशियों के हिरदिया से भी कैसी मोहर लगी आखो सतनाम। उन्हें एक गल कही अगो कहते इंज जापे भी वो जीन लड़की ना भाई अजे भरी पई है कुछ होर कहना चाहती है मेरे नाल गल करना चाहती है। कहते कुदरती कस्टमर भी नहीं होर बुकिंग कराने वाला समान काउंटर बहुत होंगे ने 10-12 जड़ा जहाज आ रहा हो कहते कुदरती होर सवारी भी नहीं बाकी दूजे काउंटर से लिखते कहते लड़की ने जिमें अंदर भरया हों ना भी गल थोड़ी होर करनी चाहनी है मैं इस सरदार नाल सिंह नाल। ज्ञानी सरूप सिंह लिखते हैं वो लड़की ने अगले लफज बोले पहले आ दो लफज बोल के ना बड़ा पवित्र स्थान है मैनू सीट पर बैठे उस स्थान की याद भी आ जाए तो बड़ी शांति मिलती। कहते हुण उन्हें गल अगे तोरी कहती सिंह जदों दरबार साहब हरिमंदर साहब गोल्डन टेंपल जाओगे मेरा भी सजदा करना। वो जीन लड़की कहती मेरा भी सजदा करना जदों जाऊगी। कहते मैं अगो पुछया तू दर्शन किए ने वो गो लड़की कहती हां मैं हरिमंदर साहब के दर्शन किए ने ते अगली गल सुनियो। वो जीन विदेशी लड़की कहती है कहती मैं दर्शन किए ने ते मैं अपनी जिंदगी में अमृतसर गोल्डन टेंपल की यात्रा भुल ही नहीं सकती। मैं अपनी जिंदगी गोल्डन टेंपल की यात्रा भुल ही नहीं सकती। जो लड़की है तो बेअंत गुण ने जो लड़की के दिमाग उ पेश करना वो अगों लड़की कहती दो गल्लां हरिमंदर साहब दियां दो गल्लां मैं बिल्कुल नहीं भुल सकती। ज्ञानी सरूप सिंह कहते दो गल्लां केड़ियां सुनियो एक विदेशी औरत कहती दो गल्लां हरिमंदर साहब दियां मैं कभी भुल नहीं सकती। वह कहते केड़ियां
इनकी पहली ते ए जो उन्हें बोली देखो उस साथी जो बोलिया प्रमाण करे वो लड़की कहती पहली गल ते ए उथे रब दी शान विच हर वेले बाणी गायन होंदी रहिंदी उहदे अपने जो भी लफज निकले पहली गल तो यह नहीं मैं भुल सकती कि रब की शान विच उत्थे हर वेले बाणी गायन होंदी रहिंदी है। कहिंदी दूजी गल मैं यह नहीं भुल सकती हरिमंदर साहब की कि रब दे मनुखां दी निष्काम सेवा होंदी है ते हरिमंदर साहब होंदी जिन्हें रब दे मनुख ने हिंदू सिख मुसलमान ईसाई उन्हां दी जे निष्काम सेवा होंदी है कहिंदी हरिमंदर साहब होंदी है। कहिंदे मैं वेख्या इहदा अंदर अजे होर गल करन नूं दिल कर रहा है। कहिंदे ओह लड़की अगों की बोली एक करी आ पंक्ति पढ़े सिर्फ दो तीन लाइना लड़की ने बोलिया कि सानू माण आ एक विदेशी ने पछाण लिया असी भी पछाणी है पर दो लाइना ही ने एक करी बोलो प्यार प्रकरण सुन के जेड़ा हरिमंदर साहब नाल जुड़ गया समझ लो ए वीरवार दे जेड़े 23 साल तो सतगुरु सेवा ले रहे ने सच्चे पातशाह दे चरणां च खाते च पै जावे हाजरी लग गई। दो लैणा ने जी बच्ची दियां जीन आए जीन उहदा नाम विदेशी अगस्त 1983 दी वार्ता लंडन दे भाई वो कहती मैं दो गल्लां नहीं भुल सकती रब दी शान विच बाणी दा गायन हर वेले एक रब दे मनुखां दी निष्काम सेवा हुण इहनूं जरा दिमाग च पायो जिहड़ी उहदे हिरदे दी बात कहती सिंह मैं वेख्या परकरमा च सफाई भी बड़ी है। वो लड़की ने बोलिया मैं वेख्या परकरमा च सफाई भी बड़ी है। वो लड़की कहती मैं बड़ी प्रभावित हुई कि परकरमा विच ठंडे पानी दियां छबीलां भी ने जिथों मर्जी छक लो परकरमा विच ठंडे पानी दियां छबीलां भी ने। हुण अगली गल बड़ी प्यारी कही बच्ची ने अपने भोले पा विदेशी औरत जी ने कहती परकरमा च सफाई भी बड़ी है परकरमा विच थां थां ठंडे पानी दियां छबीलां भी ने। कहिंदी मैं स्थान पहली वारी वेख्या कि भुख लगे कहिंदी भुख लगे ते बिना जेब नूं हाथ लाए हर कोई प्रशादा छक सकदा बिना जेब नूं हाथ लाए हर कोई प्रशादा छक सकदा। हुण सुणियो लड़की दा अपना भोलापन प्यार कहिंदी मैं ऐसा स्थान पहली वारी वेख्या क्या कमाल दा रवाज है। उन्हें रवाज क्या कहती उत्थे क्या कमाल दा रवाज है। हुण सुनियो जी जरा वो लड़की बोल रही है विदेशी कहती उत्थे क्या कमाल दा रवाज है पानी मुफ्त आको सतना क्या कमाल दा रवाज है पानी मुफ्त चाह मुफ्त खाना मुफ्त मिठा मुफ्त रहायश मुफ्त बिना किसे भेद भाव दे। कहिंदे तुसी जदो जाओगे मेरी भी हाजरी लाओगे। उन्होंने सरूप सिंह जी ने लिखिया जिन्ना हवाई अड्डे ने पास किया होगा ना भी भार बुक कराना जरा समान कहिंदे मेरा 8 किलो वेट ज्यादा सी
समान दा ओ लड़की कहंदी भी मैं तुहाडे कोलों इहदी वखरी माया नहीं लैणी, जिस थां तों मैं प्रभावित होई आ तुसीं उत्थों आए हो, इहदे बदले मैनूं इन्ना ही कर देना, मेरा सजदा उत्थे कर दे, मेरी हाजरी। हुण सुणियो जी खीरली गल, ज्ञानी सरूप सिंह लग कहंदे मैं जदों अमृतसर जहाज लैंड कीता, जदों मैं दरबार साहब दर्शन करन आया, जदों कहंदे मैं दरबार साहब अंदर मत्था टेकिया, कहंदे जदों मैं गुरु रामदास दे हरिमंदर साहब अंदर मत्था टेकिया, कहंदे मैनूं इंज प्रतीत होया तू बाद चाहें तेरे तो पहला ही वो लड़की अपना सत्कार अंदर प्रगट कर रही है। गज के आखो सतनाम। कहंदे मैनूं अंदर इंज प्रतीत होया कि मैं अंदर वड़िया, पर वो लड़की गुरु रामदास दे इस पवित्र स्थान विच अपना सत्कार मेरे तो पहले ही प्रगट कर रही। आखो सतनाम। इशारा लेना, हर जपे हर मंदर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, गुरु रामदास दे अस्थान दियां सिफतां ये हर वारी कुछ बचन, कुछ नाल जो सिख नहीं वो भी किवें प्रभावित होए, ताकि साडी इत्थे आण वालियां दी घरां च बह के सुनन वालियां दी इन्नी बैटरी चा